और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर इस बीच आ रही है, हिमाचल में कोरोना का कहर। जी हां, हिमाचल में कोरोना का कहर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 1 लाख के पार जा पहुंचे हैं। 1 लाख के पार ये मामले जा पहुंचे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस 19,928 पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,415 नए मामले सामने आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 80,534 लोगों ने कोरोना को अब तक मात दी है। रिकवरी रेट में बहुत हद तक सुधार नहीं है। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुल 1,512 लोगों की कोरोना से मौत अब तक हुई है। तो हिमाचल में कोरोना का कहर और लगातार बढ़ते नए मामलों की संख्या और भी ज्यादा संकट बना हुआ है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले स्थिति जो है, जो हालात हैं, वो यहां पर वैसे ही बने हुए हैं। अनुप धीमान संवाददाता कांगड़ा से और विकास हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि हाल हिमाचल में लगातार नए मामलों ने बिगाड़ के रखा हुआ है कोरोना संक्रमण के। विकास, स्थिति यहां पर यह हो गई है कि रिकवरी रेट में सुधार नहीं हो रहा है और जो नए मामले यहां पर बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस, कोरोना संक्रमण के, उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल कैसी व्यवस्थाएं हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो पिछले कल की अगर बात करें तो 2751 जो सरकारी आंकड़ा है, जो स्वास्थ्य बुलेटिन, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है कोरोना का, उसमें ये कहा गया है 2751 मामले कुल हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आए हैं। हालांकि आज का अभी 2 बजे का बुलेटिन जो है आना बाकी है। इस बीच जो मौत का आंकड़ा है वो हमने देखा कि 24 घंटे पहले जो मौत का आंकड़ा था वो 37 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी, लेकिन बीते कल अगर बात करें तो 28 लोगों की कोरोना के वजह से यहाँ पर हुई है। ऐसे में राज्य में हालात कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आते, लेकिन इतना जरूर इत्मीनान है राज्य सरकार को कि हालात पर काबू पाने के लिए पहले से व्यवस्थाओं का, जो जिस तरह से सुनियोजित तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, और उनको उनको देखने के लिए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है खुद व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। शिमला की बात करें तो बीते कल शिमला में भी बहुत बड़े अस्पताल है, चाहे वो आर्मी का अस्पताल है या फिर जो इंडस अस्पताल है, क्योंकि ये एक निजी अस्पताल है इंडस हॉस्पिटल, और ऐसे में कई सालों से जो है, पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। राज्य सरकार ये कह रही है कि इसका अधिग्रहण जो है वो किया जा सकता है, लीज पर इसे जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बिस्तर जो है वो लगाए जा सकते हैं ताकि अगर किसी तरह से अतिरिक्त बिस्तरों की अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है, क्योंकि कांगड़ा जिले से ये खबर आ रही थी कि वहां पर बिस्तरों की अब कमी जो है वो होनी शुरू हो गई है। काफी गंभीर रूप से जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, अब उनके इलाज के लिए इन बिस्तरों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की कमी कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसको लेकर भी पहले से इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। राज्य में ऑक्सीजन कमी तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी है। अब इन सिलेंडर्स को भी जो टाइप बी के जो सिलेंडर है, छोटे सिलेंडर है जिसको घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इन सिलेंडर्स की डिमांड जो है वो केंद्र सरकार से की गई है। ये कहा गया है 3,000 अतिरिक्त सिलेंडर जो है वो राज्य सरकार को यहाँ पर दिए जाएंगे। तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकार दावा यही कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अस्पताल में अव्यवस्था का अंबार जो है वो देखने के लिए मिलता है। मरीज को इलाज के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, इस तरह की लगातार शिकायतें जो है वो राज्य भर से कई जिलों से जो है वो सामने आई है। लेकिन बहुत से जगहों पर ऐसा भी है जहां पर मरीज ये कहते हैं कि नहीं, अच्छा इलाज जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में कोरोना जो पेशेंट्स है, कोविड के जो पेशेंट है, जो अस्पताल अलग से बनाए गए हैं, राज्य सरकार ने अपने भाषण के दौरान ये घोषणा की थी कि 5 मेकशिफ्ट बड़े अस्पताल जो है वो टेम्परेली जो है वो बनाए जाएंगे और बनाए भी जा रहे हैं। ऐसे में शिमला में भी अस्पताल है, कोविड जो मेकशिफ्ट अस्पताल है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कोशिश की यही चल रही है कि किसी तरह से मरीजों को यहाँ पर बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ठीक करके बिल्कुल जाहिर तौर पर व्यवस्था को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना। और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार कल भी जो मीटिंग थी वो यहाँ पर की गई थी। अनूप, फिलहाल कांगड़ा में किस तरीके के हालात वहां पर हैं? कोरोना केसेस, संक्रमण जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है? नए केस में क्या कुछ हद तक कमी देखने को मिली है? प्रशासन कितना अलर्ट? देखिए अंजलि, मैं अगर कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में हालात जैसे थे वैसे ही हालात बने हुए हैं। कल की बात करूं तो 669 केसेस जो हैं वो एक बार फिर जो है वो जिला कांगड़ा में, साथ साथ के 16 लोगों की कल मौत हुई है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार आंकड़ा जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। अभी की बात करूं तो लगभग 18,000
500 के आसपास केसेस जो है वो जिला कांगड़ा में हो गए हैं, और उसमें से अंजलि बहुत अहम है, अप्रैल महीने में ही 40 से 45% केसेस जो हैं, लगभग 9,000 के आसपास केसेस जो हैं वो अप्रैल महीने में ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है, पूरा साल में जितने केसेज आए थे उतने केसेज जो हैं वो एक महीने में आ गए हैं। तो जिला कांगड़ा में प्रशासन जो है वो इसको लेकर के सतर्क है, पूरी पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो जहां जोनल हॉस्पिटल है धर्मशाला में, वहां से मरीजों की शिकायतें लगातार आ रही थी, उसको लेकर के जिलाधीश ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि किसी तरह की वहां कमी नहीं है। हाँ, वहां मरीजों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए क्योंकि उनके पास दो डॉक्टर थे शिफ्ट में होते हैं, तो क्योंकि 160 के आसपास मरीज वहां भर्ती हैं, तो जाहिर सी बात है दो डॉक्टर हैं और 160 पेशेंट हैं, तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो थोड़ा सा संयम रखे क्योंकि इस तरह की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ से कहीं वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहां ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर के भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं है। जिलाधीश से हमारी बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि कल ही 8 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन धर्मशाला के लिए, जिस कांगड़ा के लिए मंगवाई है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्युपाई किए गए हैं वहां पर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। साथ के साथ जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला को मंडी से सप्लाई अलग से हो रही है, टांडा मेडिकल कॉलेज को बद्दी से अलग से सप्लाई हो रही है, तो ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिल्कुल की गई है, और अभी बहुत सारे बेड जो हैं वो जिला कांगड़ा में खाली पड़े हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन के द्वारा समय रहते की जा रही हैं, ताकि अगर ये केसेज आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी से बहुत सुचारू रूप से बना ली जाए, ताकि बाद में बिल्कुल कोई दिक्कत जो है वो प्रशासन को ना आए। जी अंजलि, बिल्कुल, जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं पहले से करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे की स्थिति क्या हो सकती है ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन जो हालात अभी संक्रमण के, खासकर जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में तो हालात वैसे ही खराब है, लेकिन हिमाचल में अगर बात वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जाए, क्योंकि एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम विकास चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव की कैसी स्थिति है? देखिए, जो तीसरे चरण का वैक्सीनेशन ड्राइव है यहाँ पर चलना है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन जो है वो यहाँ पर उसका टीका लगना है। ऐसे में अभी फिलहाल क्योंकि वैक्सीन की जो कमी है वो खल रही है, और ऐसे में राज्य सरकार पहले से तैयारी जो है वो लगातार कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि 18 साल से ऊपर के जी लोगों को जो अब टीकाकरण अभियान चलना है उसमें तेजी लानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ठीक ये जी खबर आती है कि यहाँ पर 1 मई से ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर नहीं हो पाएगी। लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करने की यहाँ पर जरूरत है, थोड़ा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना होगा। इसी बीच अब तीसरे हफ्ते की खबर आ रही है कि मई के तीसरे हफ्ते में, यानी कि अब ये मानिए आपकी जब मई खत्म होने वाला होगा उस समय ये ड्राइव यहाँ पर शुरू होगा। इसके लिए अतिरिक्त वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार से मांगी जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये कहा गया है, पत्र लिखा गया है राज्य केंद्र सरकार को भी कि वहां से जो अतिरिक्त डोजेज जो हैं वो यहाँ बिल्कुल पर मंगवाई जाए ताकि टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो। लेकिन उससे पहले जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे इनके लिए भी टीकाकरण जो है अभियान चल रहा है। करीब 17.5 लाख लोगों को टीकाकरण जो है वो लगाया जाना था, टीके लगाए जाने थे, लेकिन 14.5 लाख ही लोगों को अभी तक लगाए जा पाए हैं। लेकिन उसके अंदर भी तेजी लाने की राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और ये दावा किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि जल्द ही इस टीकाकरण को अभियान खत्म करने के बाद अगले चरण में जो है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। इसी जी बीच ये राज्य सरकार कहती है कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लोग भी पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, टीकाकरण जी में लोग बढ़ चढ़कर भाग इससे पहले लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए, और अनुप धीमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल